स्वागत है आपका मैन वर्सेस वाइल्ड 2 में। तो आज हम आपको इस जंगल में बताएंगे कि कैसे एंजॉय किया जाता है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए इन घने जंगलों को, ये मंडी के ऊपरली क्षेत्र है। तो देखो दोस्तों, वहां पर कुछ लोग नाच रहे हैं, हम भी इनमें शरीक होने वाले हैं। नाइट क्लब जाके करे जा दो डांस, मुंडे अखा में ते अखा पास कर दे रोमांस, तू कर दी है डांस मुंडे कर दे रोमांस। हाय नाइट क्लब जाके करे जा दो डांस, मुंडे अखा में ते अखा पास कर दे रोमांस। ये हमारे काम आएंगे घर बांध। तो अब हमें निकलना पड़ेगा अगली डेस्टिनेशन के लिए, तो चलते हैं। दोस्तों मुझे एक्सपर्ट मिले हैं राहुल, तो अब इसके बाद हमें पानी की तलाश में जाना पड़ेगा ताकि हम वहां पर नहा सकें, स्नान कर सकें और बहुत ही मिलेंगे हमें आगे। चलिए तो यहाँ पर हमें बोतल मिल गई है, इसको लेकर के हम उधर पानी भरेंगे, झरना भी है इधर ही। देखिए दोस्तों, इधर चाहे तो स्नान भी हो सकता है। ये देखिए हमारे जतिन एक्सपर्ट हमें स्टंट करना बताएंगे अभी। ओ, 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 ओ ये एक्सपर्ट जतिन जी गिर चुके हैं और हम इन्हें पकड़ने जा रहे हैं। जतिन गिर गए हैं अभी। तो दोस्तों जो मैं स्टंट आपको वहां पर झरने के पास बता रहा था, वहां पर थोड़ी सी मेरी कमीज भीग गई, इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं। देखो हमने यहाँ कैंची खरीदी है ताकि इस घने जंगल में हमें बहुत दिनों तक रहना पड़े, तो हमें कहीं भी कोई भी जगह मिल सकती है, अपने बाल वगैरह हम खुद ही काट सकते हैं, इसीलिए ये ज़रूरी है। चलिए आगे आपको बताएंगे अगले डेस्टिनेशन में। चले देखो कितना अच्छा घना बना जंगल है। देखो दोस्तों यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, पता नहीं तारे गिन रहा है। एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? ओहो हो, ये तो महान शख्स, महान एक्सपर्ट है हमारे यहाँ पर जितेंद्र सैनी। पता चला है कि ये एक एक्सपर्ट है, तो राहुल की जगह ये इन्हीं को लिए रहते हैं साथ में, तो ये हमें जंगल से बचने के तौर तरीके अब दिखाएंगे। तो आपको बताया कि इस पौधे को, जिसको हम प्रहलाद भी बोलते हैं, इसको होली के दिन जो है होलिका दहन के साथ जलाया जाता है, पर इसकी एक खासियत है, ये कभी जलता नहीं है। अब क्यों नहीं जलता है इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट जतिन आपको बताएंगे। देखिए जलता तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक हरा भरा पौधा है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है प्रहलाद को। प्रहलाद की बुआ ने प्रहलाद को अपने गोद में उठाया था, बुआ को वरदान था कि वो जलेगी नहीं आग में, लेकिन वो प्रहलाद को जलाना चाहती थी, लेकिन प्रहलाद भगवान का भक्त था और इसीलिए प्रहलाद तो नहीं जला, लेकिन जो बुआ है वो जल गई थी, इसलिए ये बच जाता है और जो लकड़ियां है वो जल जाती है, तो कहा जाता है कि प्रहलाद बच गया। तो ऐसी जैसी स्टोरी है, आप यूट्यूब पे देखिए। और हम अगले स्थान की तरफ चलते हैं, अब अंधेरा होने वाला है, हमें यहाँ पर घर इत्यादि देखना पड़ेगा। और भी चीज़ें हमारे एक्सपर्ट हमें बताने जा रहे हैं, कुछ इन्होंने इस पौधे के बारे में बताया है, जरा आप कृपया फिर से बताएं ये किस प्रकार का पौधा है। देखिए इसको, पौधे को जो है हमारी भाषा, लोकल भाषा में फेगड़ा भी बोला जाता है। तो इस पौधे की एक खासियत है, अगर मानो आप जंगल में फंस गए हैं, आपको कहीं कट लग गया है, इस पौधे की एक खास बात है, देखो आप यहाँ से निकालेंगे तो गाइस ये जो देखो ये वाइट वाइट निकला है ना, जहाँ पे आपको लगी हो आप उधर इसको लगाएं, तो मतलब जो है जख्म है वो जल्दी जल्दी जो है ठीक होने लगता है। सो थैंक यू, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आइए अब थोड़ा सा खाने का प्रबंध कर देते हैं, ऊपर दुकान से चौकोबार ले आते हैं दो। देखिए दोस्तों इस पेड़ पर एक फल लगा हुआ है, देखिए एक ही फल लगा हुआ है यहाँ पर, बाकी के फल है नहीं,
ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लगे हुए थे, लोगों ने उनको निकाल लिया होगा, लेकिन ये वाला उनसे निकला नहीं, उधर जैसे लगा हुआ है। तो इसको जमीर डी कहा जाता है, इसको खाने के साथ खाया जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मुझे कुछ एक गुफा जैसी लग रही है, आपको मैं बताऊँ तो जरा कैमरा मैन मेरे पास कैमरे को दे। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर ऐसा आपको ऐसी गुफा जंगल में दिखे तो आप वहाँ से तुरंत ही कल्टी मारे, क्योंकि यहाँ पर भागना ही सेफ रहेगा। क्योंकि लेके चलते हैं इस जंगल में और आगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब यहाँ से ऐसा लगता है पता नहीं कितना विशाल जो है यहाँ से टाइटन बोया गुजरा हुआ है। कौन है? कौन गुजरा है? पर जो दिन के साथ हम प्रैंक करते हैं, हम उनके ऊपर ये डंडा फेंकेंगे तो देखते हैं इनका क्या रिएक्शन होता है। हम बोल के इनको वाह क्या हुआ क्या हुआ, आपको पता लगता है ऐसे नहीं उजकाना चाहिए किसी को। तो देखो दोस्तों मुझे मॉडल दिया गया है, TLM दी गई है, तो मैं कब से ही पेटी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पेटी यहाँ पर प्रकृति ने हमें दी है। देखो यहाँ पर गिरी हुई है, इसको निकालना पड़ेगा। इसमें देखना पड़ सकता है कि कीड़ा तो नहीं घुस गया है, इसको ढंग से चेक कर लीजिए। नहीं ये ठीक लग रही है मुझे, नहीं फिर भी ध्यान रखना पड़ता है। हम प्लैनेट से दोस्तों यहाँ पर हमें एक नई चीज दिखी है जिसको कहा जाता है लिंगडू। देखो गाइज ये जो लिंगडू है इसकी सब्जी बहुत ही स्वाद बनती है, कोई भी आता जाता जिसको दिखता है वो यहाँ से चूप के ले जाता है, पर ये पता नहीं कैसे बच चुका है यहाँ पे। इस समय लोग दूर दूर से आते हैं इन्हें निकालने के लिए। वेरी देखो यहाँ पर हमें मिल चुका है एक गांव। गाइज देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा आबादी है, आगे कुछ झोपड़ियां जो है हमें नजर आ रही है। तो इधर देखो गाँव वालों ने यहाँ पे टमाटर की खेती की जा रही है अभी, यानी कि मतलब जो है वो छोटी छोटी बूटियां हैं उनको लगाया नहीं गया है, पर तैयारी पूरी है, एक दो दिन में लग जाएंगी वो भी। तो हमें फाइनली गांव मिल चुका है, बहुत ही मदद की इन्होंने। आपका घर कहाँ जैसे है? उधर पार रेड एंड व्हाइट। अच्छा, तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।